नमस्कार, मैं आशा। न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र अंडमान निकोबार ने 16 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समुद्री खोज और बचाव कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन उप महानिरीक्षक पी प्रदीप कुमार, चीफ स्टाफ ऑफिसर कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार ने किया। इस कार्यक्रम में मार्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, DGCA, AAI, पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, इनकॉइस, BSNL, DMA, CISF, मरीन पुलिस, अंडमान मर्चेंट क्लब और स्पोर्ट्स फिशिंग क्लब ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने सभी समुद्री SAR हितधारकों और संसाधन एजेंसियों की निस्वार्थ सेवा के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने समुद्री SAR बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता पर भी जोर डाला। उन्होंने समुद्र में किसी भी घटना और दुर्घटना के लिए त्वरित प्रतिक्रिया का एहसास करने के लिए सभी हितधारकों के बीच प्राप्त तालमेल को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सभी प्रतिभागियों और हितधारकों ने कहा कि कार्यशाला समुद्री SAR सेवा प्रदाता और समुद्री उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद है। कार्यशाला के समापन पर कमांडर संजय ऑफिसर चीफ स्टाफ समुद्री बचाव समन्वय केंद्र ने सभी विशिष्ट वर्तकों को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।